नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो आइए फ्रेंड, थोड़ा सा इंजन रूम का टूर लेते हैं। आप लोग भी देखिए क्या काम मेरा होता है। मेरा रैंक ऑयलर है, मोटरमैन है। तो आप थोड़ा इंजन रूम का टूर मेरे साथ लीजिए, देखिए पूरा वीडियो को। तो हमारा सबसे पहला काम आते ही दिन शुरू होता है, जो भी हम लोग का एयर बॉटल है वो उसको चेक करना है कि वो भरा है कि नहीं। उसका वाल्व चेक करना, कहीं ओपन है, कहीं लीकेज तो नहीं है। उसके बाद पूरे बॉटल का इंस्पेक्शन करना। उसके बाद हम लोग को ये देखना पड़ता है उस बॉटल का ड्रेन किसी ने किया है, जैसे आपका पिछला शिफ्ट वाला ऑयलर ड्रेन किया है या नहीं किया, भूल गया, तो हम लोग को चेक करना पड़ता है। चेक करके हम लोग को एवरी आफ्टर, समझ लीजिए जब भी आप एयर फिल करेंगे कंप्रेसर पंप से, तुरंत उसके बाद आपको उसको ड्रेन करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप ड्रेन नहीं करते हैं तो कुछ पानी के, आप ऐसा समझ लीजिए कि पानी का बूंद, पानी एक तरह से ना, वो जब इंजन स्टार्ट होता है तो एयर स्टार्ट होता है तो वो उसमें इंजन में जाता है, जिससे धीरे धीरे इंजन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला काम हम लोग को यही करना पड़ता है। ये देख सकते हैं ये कंप्रेसर पंप है, इसी के थ्रू हम लोग एयर भरते हैं एयर बॉटल में। इसमें हम लोग को सबसे पहले देखना होता है इसका लूब ऑयल, इसका लूब ऑयल साइड ग्लास जैसा कि नीचे आप लोगों ने देखा। उसके बाद प्रेशर, ये सक्शन प्रेशर है, प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर, वो गेज ख़राब था एक्चुअली, ये हम लोग को हमेशा देखना पड़ता है। और जैसा कि हम बता रहा हूँ कि अगर आप कोई भी गलती करते हैं इन सब छोटी मोटी चीज़ों, जैसे कि आपने वाटर बॉटल को ड्रेन नहीं किया, कंप्रेसर का लूब ऑयल पर डे चेक नहीं किया, तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सके, प्रॉब्लम में आपको पर डे डांट पड़ेगी। ये सब स्विच बोर्ड है हम लोग को ऑन ऑफ करने के लिए। जैसा कि आप ऑन करेंगे तो ग्रीन लाइट हमेशा जलती हुई दिखेगी। ऑटो पे, मैनुअल पे, आप दोनों कर सकते हैं। आपको मालूम होगा अगर आप वाइपर या ट्रेनिंग वाइपर में ड्यूटी किए होंगे तो चेंज ओवर के टाइम हम लोग को सब कुछ सेट अप करना पड़ता है। ये सारे पाइपलाइन है फॉर एयर के लिए, पूरे शिप में एयर सप्लाई करने के लिए ये सारे पाइपलाइन है। और उसके वाल्व है, जिस भी लोकेशन पे हम लोग को एयर सप्लाई करना रहता है उस लोकेशन का वाल्व हम ओपन कर देते हैं। ये पंप जैसा कि आप देख रहे हैं लूब ऑयल प्यूरीफायर है। लूब ऑयल प्यूरीफायर का काम मैं आपको बता दूँ, ये लूब ऑयल का थिकनेस को कम करता है, उसको हीट करके उसका थिकनेस कम करता है ताकि इंजन में आसानी से वो रन कर सके। ये इसका पैनल बोर्ड है, इसको आपको हमेशा देखना पड़ेगा रनिंग में, इसको हमेशा चेक करना पड़ता है इसका भी रनिंग है। सोर्स अगर रनिंग में है तो प्रॉपर इसको ध्यान में रखना पड़ता है। और इसके बाद इसी के पास में होता है आपका कूलर, दो कूलर होता है, एक वाटर कूलर होता है, एक लूब ऑयल कूलर होता है। इनका काम ये होता है कि इनके थ्रू एक्सपेंशन टैंक से या सीवाटर जो इनमें आते हैं कूलर के नाम से ही आपको जैसा कि लग रहा होगा, कूलर में आके ये पानी का टेम्परेचर को मेंटेन करता है, मेंटेन करके तब ये इंजन के लिए भेजता है। ये नीचे वाला लूब ऑयल कूलर है, ये मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करने का, नॉर्मली समझे तो मेंटेन करने का काम करता है। आप साइड ग्लास में टेम्परेचर हमेशा देख सकते हैं, जब भी इंजन रनिंग में हो तो आपको हमेशा एवरी आफ्टर 30 मिनट आपको ये नोट करते रहना कितना टेम्परेचर है, आपको नोट करके रखना है, क्योंकि आपका चीफ इंजीनियर, सेकेंड इंजीनियर एनी टाइम आपसे पूछ सकता है। आपको ये शायद पता ही होगा, STP है, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट। जो भी हम लोग का वेस्टेज होता है, लाइक गैली में जो वेस्टेज होता है और जो हम लोग का लाइक बाथरूम में वेस्टेज होता है, तो वो डायरेक्ट हम लोग बाहर डायरेक्ट नहीं भेज सकते हैं, सी में डायरेक्ट ऐसा नहीं जाता है। इसके लिए एक मशीनरी होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो उसमें पहले जाता है, फुल प्रोसेस होता है, उसके बाद ही आगे वो डायरेक्ट बाहर जाता है। ये PP सिस्टम है शिप में, ये इंस्टॉल होता है इंजन रूम में। मे बी बाई चांस अगर इंजन रूम में आग लग गया तो उसके लिए बाहर से आप कितना भी फायर फाइटिंग कर लेंगे ना, वो काफ़ी नहीं पड़ेगा, उसके लिए अंदर इंस्टॉल सिस्टम पहले से ही चाहिए। ये उसका गेज ग्लास है, अभी ये क्लोज कंडीशन में, हमेशा ऑन नहीं रहता है, ये हमेशा आपको क्लोज कंडीशन में ही मिलेगा। इसको ऑन करने के लिए इंजन के आउटसाइड में भी स्विच बोर्ड होते हैं, इसीलिए ऑफ कंडीशन में रखा जाता है, क्योंकि ये ऑन रहेगा बहुत लोड पड़ेगा इसकी वजह से। ये मेन इंजन है स्टार्बोर्ड साइड का, जैसा कि देख सकते हैं ये सी वाटर पंप है। सी वाटर पंप का मेन काम है इंजन में पानी को भेजना, ताकि सिलेंडर के साइड से आता है इंजन को कूलिंग का काम। नीचे साइड में जो आप गोला गोला टाइप का राउंड काट कर देख रहे हैं, ये एक्चुअली में रिलीफ वाल्व है। जब भी टेम्परेचर या प्रेशर बहुत हाई हो जाता है तो उस समय ये ऑटोमेटिक रिलीफ हो जाता है, जिससे कि प्रेशर या टेम्परेचर वो दोस्तों मैंने इस वीडियो में सिर्फ आपको इंजन का एक साइड दिखाया, स्टार्बोर्ड साइड का मशीनरी के बारे में सिर्फ बताया है। नेक्स्ट वीडियो में होल इंजन अदर साइड के पार्ट्स मशीनरी का भी सारा बताऊंगा।
तो तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।